हेलो यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पार्थ लकड़ावाला, ब्लॉक एट डार्स, मुंबई। सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते रहिए ताकि मेरे जो नए नए नोटिफिकेशन से आप लोग को मिलते रहेंगे। प्रेक्षकों, आज पुरानी यादों का सफर लेके जा रहे हैं और आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन आप लोग लाइक और कमेंट करते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए चलो चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे बारे में आपके साथ कुछ बातें मैं शेयर करूंगी। मेरी पुरानी यादें, मेरा बचपन और नाटक, सीरियल और फिल्म की सफर। मैं पहले गुजरात में रहती थी, सूरत में। वहाँ बहुत सारे ग्रुप से जुड़ी हुई थी, वहाँ सब नाटकों में काम किया। बाद में 78 में मैं बम्बई में आई और 79 में INT का पहला नाटक मनसुख लाल मजीठिया नाम का नाटक मैंने किया। बाद में तो एकदम मेरा सफ़र चालू हुआ, तो आज तक मैं रुकी नहीं हूँ और 50 साल इंडस्ट्री में मुझे हो गए हैं। और मैं राइटर हूँ, गज़ल, शायरी, गुजराती, हिंदी, उर्दू, ये सब लिखती भी हूँ। हिंदी में कोविद किया है मैंने और 4-5 भाषाएं जानती हूँ। लंदन, यूरोप, फ्रांस का सफ़र किया है और न जाने कितने शहरों में मैं नाटक के साथ घूमी हूँ, वहाँ मेरे कितने प्रयोग किए हैं। और बहुत सारे नाटक, सीरियल, फिल्म सब किए हैं। तो मतलब हम लोग देखने जाएंगे, मेरी कुछ बचपन की तस्वीरें। ये मैं हूँ, पूर्णिमा मुनसफ। ये मैं हूँ, पहले के ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे नाटक हुआ करते थे। 10 साल की उम्र में मैंने नाटक में काम करना चालू किया था और बाद में गुजरात में बहुत सारे नाटक किए, सब ग्रुपों के साथ मिलके। तो पहले के लोग भी बहुत अच्छे थे और ये बम्बई की फिल्म की, सीरियल की सब अलग अलग तस्वीरें हैं। ये किरण कुमार जी है जिनके साथ मैंने एक फिल्म में काम किया था। और ये कुछ पुरानी यादें, ओम प्रकाश जी हैं, आप सब लोग पहचानते होंगे, बाजू में मैं खड़ी हूँ। ये आगा साहब है, ये स्मृति ईरानी है जिसके साथ मैं खड़ी हूँ स्टेज पे। और पुरानी हम 5 सीरियल थी, उसमें अशोक शराफ और गुजराती स्टेज के बहुत बड़े धुरंधर आर्टिस्ट अमित देवेटिया और मैं, पुरानी हम 5 सीरियल, उसकी फोटो है ये। और ये जो है मेरा एक दहेज प्रॉब्लम पे एक मेरा एक नाटक था, पापण भीनु पानेतर, उसके 2000 से भी ज़्यादा प्रयोग हो चुके हैं। और अरुणा ईरानी मेरा प्ले देखने के लिए आई थी और बहुत रोई थी और मुझे इतना बोला कि पूर्णिमा, आज तक मैंने इतना मुझे किसी ने नहीं रुलाया। अच्छा, ये बच्चन साहब हमारा नाटक देखने के लिए आए थे,
हमको विश करने के लिए आए थे और ये जहाँ उंगली रखी है वो मैं हूँ और मेरा पूरा ग्रुप है और बच्चन साहब। पहले के ज़माने के लोग बहुत हमदर्दी वाले थे। अच्छा, ये शिमला में मीना कुमारी मेमोरियल अवार्ड कंपटीशन चलती थी तो मतलब लगातार 8 साल तक मैंने ऑल इंडिया बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड लिया है। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है उनके हाथों मुझे अवार्ड दिया जा रहा है शिमला में, तो ये एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, ये सर जो है वो आप सब लोग पहचानते होंगे, ये बाबू भाई मिस्त्री साहब है। ये जो है मनोज कुमार जी और कितनी भी माइथोलॉजिकल फिल्म और मनोज कुमार जी की फिल्में जिसमें मतलब ट्रिक सीन्स आते थे, झांझर चलता है, विमान उड़ता है, हनुमान जी उड़ते हैं, ऐसी कितनी फिल्मों में ट्रिक सीन ये बाबू भाई मिस्त्री किया करते थे और बहुत बड़े आदमी थे। तो मुझे गर्व है, संपूर्ण महाभारत में रुक्मिणी का रोल मुझे दिया गया था और मैंने बड़ी अच्छी तरह निभाया था, तो उनके साथ फोटो खींचवाने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, तो ये एक मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और दूसरी गर्व की बात ये है कि संजीव कुमार जी जो थे वो 75 रुपीज़ में नाटक में काम किया करते थे, तो उनके जो ये गुरुजी है चंद्रवदन भट्ट और उनकी वाइफ निहारिका भट्ट, तो मैं इनकी मेरे गुरुजी की बगल में बैठी हूँ, तो संजीव कुमार जी और मेरे गुरुजी एक ही थे। तो मतलब संजीव कुमार जी वैसे भी हमारे सूरत के थे और बहुत बड़े आर्टिस्ट, हम लोग का बहुत मिलना जुलना हुआ था, बातें हुई थी, तो ये एक मेरे लिए गर्व की बात है। और ये मेरी कुछ तस्वीरें हैं नाटक की, सीरियल की, ये आप देख सकते हैं, मेरी पुरानी यादें, बहुत मुझे पसंद है, ये मैं हूँ सब में, ये आप देख सकते हैं, ये सब नाटक की, स्टेज की, सीरियल की सब तस्वीरें हैं। पहले के ज़माने की स्क्रिप्ट अलग हुआ करती थी। अच्छा, ये जो फोटो है वो 1991 में लंदन यूरोप फ्रांस में हम लोगों ने नाटक का प्रवास किया था, उसकी लंदन की फोटो है। अच्छा, अब मैं जो दिखाने जा रही हूँ ये जो है वो शमा नाम की फिल्म थी, आपको सबको मालूम होगा, और वो जो गाना है ना, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, तो ये विजय दत्त हीरो है, निम्मी है, सुरैया है, तो ये फिल्म का जो ये हीरो है विजय दत्त, तो मेरे साथ उनके साथ मतलब मैंने काम किया था, ये मेरे हस्बैंड बने थे, तो ये विजय दत्त और मैं हूँ, ये भी विजय दत्त साहब और मैं हूँ, एक नाटक की तस्वीर है, ये विजय दत्त साहब और मैं हूँ, और दूसरी ये जो आपको दिखाने जा रही हूँ तो मतलब पेपर में ये लोकप्रिय अभिनेत्री पूर्णिमा मुनसब, ये गुजराती में है, मेरा पूरा इंटरव्यू आया था 1995 में आया था गुजराती में मेरा पूरा इंटरव्यू, तो ये आपको कुछ जानकारी के लिए। और मैंने विदेश प्रवास किया था वो भी मतलब पेपर में आया था। अच्छा, अब मैं जो दिखाने जा रही हूँ तो ये बहुत बड़े सब सेलिब्रिटीज है, ये अमजद खान साहब है, बगल में मैं हूँ, और ये जो है
ये शम्मी कपूर जी है और बगल में मैं खड़ी हूँ। मुझे आप सबको बताते हुए, मेरी ये बातें शेयर करते हुए इतना आनंद मिल रहा है। जब हीरो पिक्चर आई थी तभी जैकी श्रॉफ जी आए थे, नए नए थे एकदम, तो तभी की ये तस्वीर है। कितने यंग दिखाई दे रहे हैं देखिए, और बगल में मैं खड़ी हूँ, और ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड और मेरे नाटक के मतलब सह कलाकार संजीव कुमार जी, वो भी हमारे सूरत के थे, तो ये भी एक मेरे लिए गर्व की बात है। उनके साथ मैंने काम नहीं किया था लेकिन मिलना जुलना हुआ करता था। ये मैं हूँ ऋषि कपूर जी के साथ बगल में, और ये बहुत मेरी फेवरेट हीरोइन है नूतन जी, और मोनिश बहल जी, और उनके पीछे सुरेश ओबेरॉय जी है, और बगल में मैं खड़ी हूँ। हमने इतनी बातें की थी साथ में, ये सब सेलिब्रिटी के साथ हमने खाना खाया था। और ये, अरे बाप रे, ये तो किसी को फोटो साथ में खींचवाने ही नहीं देते हैं, इतने गर्म दिमाग के थे। फिर आधा घंटा तक मुझे रोकना पड़ा था उनके साथ फोटो खींचवाने के लिए। तो ये राजकुमार साहब मुझे देखते रहे आधे घंटे तक, फिर मुझे बुलाया कि आओ फोटो खींचवाओ। तो बाद में मुझे चांस मिला फोटो खींचवाने का। तो ये सब जो है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सुनील दत्त जी के बंगले पे संजय दत्त की सिस्टर की शादी थी, वहाँ की ये सब फोटो थी, सेलिब्रिटीज सब लोग आए थे। अच्छा, ये फोटो जो है, तो मैंने एक्टिंग क्लास चालू किए थे पूर्णिमा थिएटर्स, एकदम पीछे छोटे से अक्षर में दिखाई देता है पूर्णिमा थिएटर्स। तो ये मैंने एक्टिंग क्लास चालू किए थे, तो मेरे इतने सारे बच्चे एक्टिंग सीखने के लिए मेरे पास आते थे। तो ये सब मेरी कैरियर के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी। और ये जो है, ये मेरे मिस्टर हैं महेश जी, अब वो नहीं रहे, मतलब उनका मुझे बहुत साथ वो देते थे, मुझे डायलॉग याद करवाते थे स्टेज के पीछे खड़े रह के, कुछ प्रॉपर्टी चाहिए तो वो मुझे देते थे, और बहुत शूटिंग में, बाहर घर के कामकाज में, सब जगह मेरा बहुत हाथ बटाते थे। तो ये मेरी लाइफ के बारे में आपने जाना, और इतना सारा प्यार मिला है मुझे इतने सालों में इंडस्ट्री का, हिंदी इंडस्ट्री का, गुजराती इंडस्ट्री का, इतने अच्छे लोग हैं और इतना सारा प्यार मिला है कि अब तक मतलब मुझे कोई भूला नहीं है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और मैं भी किसी को नहीं भूली, थोड़े थोड़े दिन के बाद अगर वो लोग मुझे फ़ोन करेंगे, मेरा फ़ोन नहीं आया तो मैं उनको फ़ोन करूंगी, नहीं तो वो करेंगे। तो आज तक वो हमारे रिलेशन एकदम अकबंध है, अखंड है, अटूट है, और इतने सारे लोग का मुझे ढेर सारा प्यार मिला है, अच्छे अच्छे रोल करने को मिले हैं, मान इज्जत मिला है। तो ये सब मेरे लिए एक सपने जैसी बात हो गई है। अभी मैं ऐसा करती हूँ कि ये फोटो देखती हूँ और पुरानी यादें ताज़ा करती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं इनके साथ में ही काम कर रही हूँ। अभी मैं स्टेज पे हूँ, अभी मैं शूटिंग में हूँ, ऐसा मैं महसूस करती हूँ कभी कभी। तो मुझे आशा है कि मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होगी, और तो क्या कहूँ, मैंने आपको सब पुरानी यादें आपको बता दी। बस नमस्कार। तो
आपने जो ये फोटोग्राफ देखे थे आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट जरूर करना। और हाँ, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग ये वीडियो को स्किप मत करना, स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखना। थैंक यू, नमस्ते।